हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूँ मनस्वी। तो आज हम बनाने वाले हैं वेज नगेट्स पोटेटो से। चलो उससे पहले ये वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो ये हमारे पास है आलू डाल की पोटेटो, ये है हमारे पोहा, ये है हमारे पास ग्रीन पीस, ये है हमारे पास चाट मसाला, ये है पेपर ब्लैक पेपर, ये है चिली फ्लेक्स, ये है ऑरिगेनो, ये है कैरेट, ये है बीन्स, ये है कॉर्नफ्लावर और ये है अभी ही ये अच्छे से मिल चुका है। इसमें हम डालेंगे नमक, तो नमक हमें कितना दे, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है, तो हमें उसको टेस्ट ही से डालना है। तो मुझसे बैंक नमक का गिर गया, अभी मैं थोड़ी देर अच्छे से मिश्रण का टेस्ट करूंगी। अगर मुझे लगा कि नमक की ज़रूरत है तो मैं नमक डालूंगी, कि नहीं अगर नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा टेस्ट करके देखूंगी। अच्छा, थोड़ा नमक डालना चाहिए, थोड़ा सा। इसमें थोड़ा गाजर बचा हुआ था, मैं डाल दिया। फिर इसे अच्छे से मिक्स एंड मिक्स। तो अभी हमारा वो जो फ्रिटर्स का जो ये है बनके तैयार है, मतलब आलू का सब मिक्स करके तैयार है। अब हम इसका शेप्स बनाएंगे। चलो अब ओके, तो आप कोई भी शेप ले सकते हैं, बट मुझे सबसे अच्छा शेप ये वाला है, दिखाओ। चलो, तो फर्स्ट आपको बनाना होगा एक सर्कल। ओके, सर्कल को बनाने के बाद उसका थोड़ा सा रोल करना, इतना भी रोल नहीं करना, और उसको ऐसे बनाना होगा। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, और ये शेप गेस्ट आने पर भी सर्व कर सकते हैं। और फिर इसको आपको कॉर्नफ्लोर फ्लावर से कवर करना है, और इसको आप फ्रीज में रख के प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा फर्स्ट हो गया है। तो अभी मैं बाकी के भी करती हूँ जल्दी जल्दी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि मैंने कितने फास्ट बना दिए, एक्चुअली बहुत टाइम लगा है, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो ये हमारे पास मैंने बनाए हैं 8, और अभी आप इनको फ्रीजर में रख सकते हो। जैसे कि आप इसको लो, तो अभी मैं इसको लगा रही हूँ इसका ढक्कन, और अभी आप इसको रख सकते हैं फ्रीजर में। ये मेरा फ्रीजर, और मैंने इसको रख दिया।
तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप 13 इयर्स की वीडियो है, अगर अगर आपको फ्राई करना नहीं आता तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बोलिए, ये एक वार्निंग है, आप रिस्क प्लीज मत लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एक साइड तलके हो गया है, इस साइड मैंने इसको मैंने फ्लिप किया, अभी होते ही रहेगा जब तक थोड़ा सा गोल्डनिश ब्राउनिश कलर ना हो जाए, तब तक आप इसको मत निकालिए। आप गाइस इसे देख रहे हैं कि ये कितना गोल्डनिश हो गया है। और ये हमने अभी डाला है, वो भी तल रहा है, मस्त लग रहा है।